इस वक्त हम मौजूद हैं धार्मिक तीर्थस्थल बागेश्वर धाम में, जहां पर 155 कन्याओं का विवाह महाशिवरात्रि के पर्व पर संपन्न किया जाएगा। उसी क्रम में आज संतों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश के तमाम ऐसी विभूति इस मंच पर मौजूद हैं। और उसी क्रम में यहां पर जो लाखों की तादाद में देश और विदेश से श्रद्धालु जो आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था के लिए यहां पर चिकित्सा सहायता केंद्र भी खोला गया है। हमारे साथ जो हमारे कैमरामैन सहयोगी, उनसे हम कहेंगे कि ये देखें जो एम्बुलेंस है, ये एम्बुलेंस जो तत्काल ही एम्बुलेंस यहाँ पर रखाई गई हैं, जो कि कोई गंभीर बीमारी से यदि कोई मरीज आता है तो उसको बड़ी चिकित्सा के क्षेत्र में उन्हें इलाज के लिए पहुँचाया जा सके। तो वहीं ये जो चिकित्सा सहायता केंद्र है, ये क्रमांक 5 है, यहाँ पर ये पूरी चिकित्सक की जो टीम है वह यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर जो दवाइयाँ हैं वो हर प्रकार की यहाँ दवाइयाँ भी मौजूद हैं। साथ में हमारे साथ कुछ स्टाफ नर्स भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। जी, किस तरह से आप लोग यहाँ सेवाएं दे रहे हैं? जी, हम मतलब जो इमरजेंसी पेशेंट है उनको भी दे रहे हैं सेवाएं, और जो जनरली यहाँ पे ओपीडी वाले पेशेंट आते हैं, जैसे कि उनको सर्दी है, खांसी है, बुखार है, इन लोगों को हम अच्छे से सेवा दे रहे हैं। किस तरह की दवाइयाँ यहाँ रखी हुई हैं? सारी निःशुल्क है। तो ये हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, जो काफ़ी सेवाएं यहाँ पर दिन रात मेहनत करके यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, का शुभ नाम? डॉक्टर अमित तिवारी नाम है मेरा। जी जी जी, किस तरह से आप यहाँ सेवाएं दे रहे हैं और किस तरह से यहाँ दवाइयों का वितरण कर रहे हैं? ये सारी निःशुल्क? हाँ, सारी निःशुल्क सेवा है यहाँ पे, और ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर की तरफ से कराया गया है, और जिला अस्पताल का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। यहाँ पे हमने इमरजेंसी ड्रग दवाइयाँ रख रखी हैं, और जैसे बीपी शुगर की भी दवाइयाँ हैं, बाकी जनरल किसी को चक्कर आ जाते हैं या किसी को फिट्स आ जाते हैं, हमने उसके लिए इमरजेंसी व्यवस्था भी बगल में कर रखी है। देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो एम्बुलेंस रखी गई है वो तत्काल सहायता के लिए रखी गई? जी जी, वो तत्काल सहायता के लिए है। अगर कोई ऐसा इमरजेंसी पेशेंट होता है जिसका पुराना इलाज चल रहा है, अगर हमारे पास कोई दवाई नहीं है तो उसको हम प्राथमिक उपचार देकर उसको तुरंत जिला अस्पताल छतरपुर रेफर कर देते हैं। जी, तो ये पूरी स्वास्थ्य विभाग की राजनगर की जो टीम है वह पूर्णतः यहाँ पर निःशुल्क दवाइयाँ वितरित कर रही हैं। वहीं यहाँ पर जो वॉलेंटियर हैं वह इनकी सेवाओं में कार्यरत हैं। वहीं हम आपको बता दें कि जो चिकित्सा सहायता केंद्र है वह चिकित्सा सहायता केंद्र भी बनाया गया है, ये क्रमांक 5 है। इसी तरह से वहाँ पर भी एक सहायता चिकित्सा सहायता केंद्र है जो बनाया गया है, और यहाँ पर जो एम्बुलेंस है वो 4 या 5 एम्बुलेंस यहाँ पर रखी गई है। यदि कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित होता है तो उसे तत्काल ही इन एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल तक पहुँचाया जा सके। यह प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, एक छोटा सा रूम है, वह रूम भी यहाँ पर हॉस्पिटल के रूप में यहाँ बनाया गया है, जहाँ पर कुछ मरीज भी हैं, जो मरीज का इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर जब भारी संख्या में यहाँ पर जब मरीज आ जाते हैं तो उनके लिए यहाँ पर एम्बुलेंस भी दी गई है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, और हमारे जो कैमरामैन सहयोगी, उनसे हम कहेंगे देखें किस प्रकार से यहाँ पर ये 4 पलंग दिए गए हैं, जहाँ पर 4 पलंग के जरिए यहाँ पर जो गंभीर बीमारी से जो ग्रसित मरीज आए हैं उनको यहाँ पर लिटाया जाएगा। जी भाई साहब, किस तरह की यहाँ व्यवस्था है? ये टेम्प्रेरी हॉस्पिटल बनाया गया है मेरी, जहाँ पर जो सामान्य जो है प्राइमरी जो चिकित्सा देनी है उसके लिए अस्पताल बनाया गया। डॉक्टर साहब है अंदर? अभी तक लगभग कितने लोग यहाँ पे आ गए होंगे इलाज के लिए? समथिंग तो होगा, तीन ज़्यादा ही हो गए होंगे। 20,000। आप लोग समिति की तरफ से सेवा दे रहे हैं? जी हाँ, हम धाम की तरफ से। तो देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर धाम की तरफ से भी जो यहाँ पर सेवादार हैं, भाई भी तैनात है। यहाँ पर मिनी हॉस्पिटल 4 पलंग का बनाया गया है, जो अर्जेंट बीमारी है उसका इलाज तुरंत यहाँ किया जाएगा, और यदि गंभीर बीमारी से कोई व्यक्ति ग्रसित है उसके लिए यहाँ पर ये एम्बुलेंस भी रखी गई है। पेपर टाइम के लिए विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।